उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब प्रत्याशी मैदान में अपना दमखम दिखाने लगे हैं। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी और ब्लॉक प्रमुख जखोली प्रदीप थपलियाल के साथ सैकड़ों समर्थकों ने विशाल जुलूस निकालकर अपना शक्ति परीक्षण किया। इस जुलूस से प्रदीप थपलियाल ने ये तो साफ कर लिया है कि वो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कार्यक्रम यहाँ पे था और उसके बाद हमारा यहाँ से कार्यक्रम एक जुलूस के रूप में बाजार जाना था, लेकिन किसी कारणवश हमारे अध्यक्ष जी लेट पहुँचे। वो कार्यक्रम मार्केट का हमने जो बाजार का था वो स्थगित किया, लेकिन यहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आना चाहते थे, उनको यहाँ पे शामिल। 2022 चुनाव हैं, ये तो सभी को विदित है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने। यहाँ पे जो कार्यकर्ता था उनकी एक वो था कि स्वागत का था। अगर पार्टी सपोज कांग्रेस पार्टी हम पे विश्वास करेगी तो हम भी प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर रहे हैं। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस तरह से लोगों में जोश दिखाई दे रहा है उससे आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जरूर देखेगी और ये जोश और उत्साह अगर 2022 तक रहता है तो निश्चित तौर पर पार्टी एक अच्छे और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देगी। मैं गढ़वाल के भ्रमण पर आया हूँ, कोटद्वार सतपुली होते हुए जो है कल पौड़ी में थे, आज पौड़ी से चले श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में, इसके बाद कर्णप्रयाग जाएंगे, कल गोपेश्वर और फिर बद्रीनाथ में जाऊंगा। तो भ्रमण का कार्यक्रम है, स्वाभाविक बात है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और अपने साथियों से संवाद स्थापित करने के लिए, आम जन के बीच में जाने के लिए जो है कार्यक्रम बनाया। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 4.25 साल का कार्यकाल होने जा रहा है और इस कार्यकाल में सरकार ने लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम किया है। आज किसान त्रस्त है, नौजवान साथी त्रस्त है, महंगाई से आम जन त्रस्त है, कोरोना की इस महामारी में सरकार पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाई है, हालात बद से बदतर हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था तबाह है, विकास अवरुद्ध है, प्राधिकरण जो है इस सरकार ने प्रदेश पर लादने का काम किया है, देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त है। तो एक बात हो तो मैं कहूँ, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। जिस प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए सीबीआई को निर्देशित किया कि सीबीआई एफआईआर दर्ज करे और जांच करने का काम करे, और इतना बेशरम मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा, इतना बड़ा आरोप लगा तो उन्हें तो नैतिकता के आधार पर जो त्यागपत्र देना चाहिए था, लेकिन कुर्सी से चिपके हुए हैं, कानूनी दाव पेंच के माध्यम से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हालत है, स्थिति। 2022 का चुनाव कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी। प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस के पास ऐसे प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मात देने का काम करेंगे। उधर सैकड़ों लोगों का समर्थन पाकर गदगद हुए प्रदीप थपलियाल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में हुए कांग्रेस पार्टी से विधायक की दावेदारी कर रहे हैं और उन्होंने दावा किया जिस तरह से क्षेत्र में लोग उनके कारण से खुश नजर आ रहे हैं उससे 2022 में सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, ये मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, उनका पौड़ी लोकसभा गढ़वाल लोकसभा में भ्रमण चल रहा है तो मैं उनके साथ हूँ। प्रीतम सिंह जी जो आए हैं उनकी वजह से कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ी नई ऊर्जा आई है और रुद्रप्रयाग में भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा देखने को मिली है। तो हमारा शुरुआत कोटद्वार से की थी हमने, उसके बाद दुगड्डा से होते हुए फिर पौड़ी और श्रीनगर अभी रुद्रप्रयाग में है और फिर अध्यक्ष जी कर्णप्रयाग से जाके गोपेश्वर से बद्रीनाथ जाएंगे। तो हर जगह जा रहे हैं, अपने जो मुद्दे उठ रहे हैं वो एक तो भ्रष्टाचार है सरकार को जो बहुत बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दूसरी बात यह कि लोग बहुत हताश हो रहे हैं, और तीसरी बात आप जहाँ भी जाएंगे तो सड़कों की हालत ख़राब है, अस्पतालों की हालत ख़राब है, रेफरल सेंटर्स बन गए हैं। तो जो भी वायदे किए थे वो तो उन्होंने निभाए नहीं, पर जितना भ्रष्टाचार अब हर जगह हो रहा है उससे स्पष्ट है कि लोगों में बहुत आक्रोश है। और प्रीतम सिंह जी का हमारा और सब कांग्रेस पार्टी का यही लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को कैसे सशक्त करें
और आगे बढ़े। ये हमारा सबसे पहला जो कार्य है वो कांग्रेस पार्टी के संगठन को सशक्त करना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले कह दिया कि बहुत आक्रोश है, लोगों में आक्रोश भी है और गुस्सा भी है। दरअसल रुद्रप्रयाग में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और लोकसभा प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी का भ्रमण कार्यक्रम था। रुद्रप्रयाग ज्वालपा पैलेस में सैकड़ों समर्थकों ने प्रदीप थपलियाल को फूल मालाएं पहनाकर विशाल उत्सव जुलूस निकाला। उसके बाद कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी शामिल हुए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।